देखिए ये बच्चे, इन्हीं की मेहनत है जो आज रंग लाई है। बेहद खुशी का पल, गौरवान्वित कर देने वाला पल, ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए। इस टाइम हम देखने वाले हैं कि इन तब देखिए छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है। पूरे देश को इन बच्चों पर नाज है, इन बच्चों की ही मेहनत है जो आज रंग लाई है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजादी सैटेलाइट जब लॉन्च की गई उस वक्त की तस्वीर देखिए, अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान है। 750 बच्चों की मेहनत आज रंग लाई है। क्यों पड़ी SSLV की जरूरत, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV बेहद जरूरी था। छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग टल जाती थी, इसी कमी को जब महसूस किया गया तो SSLV का आविष्कार हुआ। बड़े सैटेलाइट्स के साथ भेजना पड़ता था, सैटेलाइट्स की एयरबस भी बनानी पड़ती थी। ये हम आपको बता रहे हैं क्या चुनौतियां और समस्याएं आती थी जिसकी वजह से SSLV को तैयार किया गया। SSLV से तुरंत होगी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग। छोटे सैटेलाइट के लिए SSLV को बनाना, तैयार करना बेहद जरूरी था। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को, निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझे कि क्यों जरूरी था SSLV। साथ ही अगर आपको SSLV से जुड़ी और जानकारी दें तो कितना लंबा चौड़ा है नया SSLV ये भी जान लीजिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो लंबाई है वो 34 मीटर है यानी 112 फीट। इसका व्यास 6.7 फीट है। कुल वजन 120 टन है। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। इस टाइम बहुत ही रोमांच का पल है ये। That was a brilliant liftoff, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए बहुत ही रोमांच का पल है। दो तस्वीरें आपके सामने। आजादी के अमृत महोत्सव में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आजादी के रंगों में नए रंग जुड़ गए हैं। एक बेहद खास पल, ऐतिहासिक पल, और आज का दिन पूरे भारत के लिए खास हो गया है। आज इसरो
देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर चुका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आजादी सैटेलाइट लॉन्च जब हुआ उस वक्त की ये ऐतिहासिक तस्वीर, ऐतिहासिक पल, और अंतरिक्ष में बच्चों का सैटेलाइट गया है। इन बच्चों की मेहनत रंग लाई है। आज का दिन पूरे भारत के लिए बेहद खास है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंतरिक्ष में आज भारत ने नई छलांग लगाई है। इसरो आज देश का नया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट लॉन्च कर चुका है। खास बात यह कि ये छोटा रॉकेट आज दो छोटे सैटेलाइट ले जा रहा है, उनमें से एक बच्चों ने बनाया है। आजादी सैट नाम का ये सैटेलाइट 750 बच्चों ने बनाया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा देगा, जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगा शान से लहराएगा, और ये सब मुमकिन हो पाया है इन बच्चों की मेहनत से। 750 बच्चों की मेहनत आखिर रंग लाई भारत के लिए। एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक दिन। SSLV-D1 लॉन्च व्हीकल का पूरे देश को आज हमारे वैज्ञानिकों और इन छोटे बच्चों की मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा है। SSLV का इस्तेमाल आगे भी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जा सकेगा। SSLV की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से हुई है। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान, भारत के लिए आज का दिन बेहद खास। जी हाँ, ये तो एक इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक दिन है आज भारत के लिए। और जैसे आपने कहा था, ये है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और डिनोमिनेशन है D1। ये यहाँ पे दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला, दिस इज ए स्मॉल सैटेलाइट का लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ कम्पीट विद ब्लू ओशन योर एलन मस्क स्पेसएक्स जैसा कंपनी के साथ इसरो अभी वी कैन कम्पीट। और दूसरा चीज, यहाँ पे 75th ईयर आजादी का अमृत महोत्सव का एक सैटेलाइट भी जा रहा है, उसका नाम है आजादी सैटेलाइट आजादी सैट। एंड इससे भी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स को वो इंक्लूड कर रहे हैं। और इस पूरा प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स ही और भी लाइक माई गर्ल स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये ऐसे में इट्स अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर भारत। बिल्कुल प्रमोद, और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा इसरो मनवा चुका है और आज देश का नया रॉकेट लॉन्च हुआ है। दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता सकिए कि SSLV की जरूरत क्यों थी और क्यों इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है? अभी पिछले 5 साल से हम क्या देख रहे हैं कि लाइक प्राइवेट कॉम्पिटिटर सैटेलाइट और स्पेस में बहुत ज्यादा ही स्पेस को अभी ले रहे हैं, स्पेशली एलन मस्क का वो SpaceX या Amazon का ओनर, जेफ बेजोस का ब्लू ओशन जैसा कंपनीज है, वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वक्त। इसरो पहले ही 2018 तक इसरो का तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो इसरो ने बहुत ज्यादा देश का सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था। तो अभी ऐसा दूसरा कंपनी वो भी रीलॉन्च व्हीकल लेकर आ रहे थे, उस वक्त इसरो को एक न्यू मॉड्यूल और न्यू मैकेनिज्म चाहिए था जहाँ पे उसका कैप्चर करना, इट शुड बी मच लेसर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।